उसको ताज मिलेगा। क्या कहा? इन छोटे छोटे बच्चों को तो ताज मिलेगा, अच्छे टाइम पर आए हैं। ताज देने वाला कौन है? हैं? बाप दादा ना? तो इनको तो मिल गया इनको तो है? पुराने पुराने गएंगे हम फालतू इतने साल से आ रहे हैं है? इनों को तो अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप, देखो क्या कहा है। खड़े हो जाओ, हाथ तो उठाओ कम से कम। नए नए कौन कौन आए हैं एडवांस में है तो बोला हाथ उठाओ। तो सच्ची दिल वाले हो ना, इनों को तो ताज मिल गया है। देखो ताजधारी ग्रुप को देखो, बच्चे सदा दिल के सच्चे, ये भाषा नहीं जानते होंगे। बाबा ने ये पहचान लिया कि ये नए नए बच्चे जो हैं तो ये बाप की भाषा नहीं पहचानते। दक्षिण भारत के विदेशी हैं तो भाषा नहीं पहचानते होंगे। नहीं पहचानते होंगे तो कोई जरूरी थोड़ा ही आगे नहीं पहचानेंगे। आगे कोशिश करें तो बाप की भाषा पहचान भी सकते। सच्ची दिल वाले हो ना, अच्छा है। बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा 31/12/2001 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज अभी दूसरा पैराग्राफ। डबल फॉरनर तो उठो, बहुत है डबल फॉरनर। किसे कहा? बेहद में डबल फॉरनर कौन हुए? जो लौकिक परिवार से भी ठुकराए जाते हैं बेसिक नॉलेज में या एडवांस नॉलेज में आने के बाद, और फिर बाद में अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी ठुकराए जाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? एक शिव बाबा दूसरा कटोरी। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो डबल फॉरेनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स उठो, बहुत है। अच्छा है, इनों के पत्र और चिटकियां भी देखो, उमंग की चिटकियां हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलेपन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? कोई भी कार्य में, कोई भी बातों में, कोई भी पुरुषार्थ में अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो। क्या? कुछ भी हो जाए विशाल दिल वाले बनो। किसके प्रति? अपने प्रति या दूसरों के प्रति? दूसरों के प्रति विशाल दिल वाले बनो, बड़े दिल वाले बनो। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। क्या कहा? ऐसा जलवा दिखाएंगे, बाहरी दुनिया वालों ने ठुकराया है, बेसिक ज्ञान वालों ने ठुकराया, और एडवांस पार्टी में भी कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म के बीज है। तो अंदर से जब जिनको सारी दुनिया ठुकराती है तो उनको दुनिया से क्या आ जाता है? वैराग आ जाता है। कौन सी भावना पक्की हो जाती है? अब तो एक से बाबा दूसरा न कोई। तो ऐसे जो बाप के बच्चे बन चुके हैं अंदर से दिल से, ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। कहाँ की आत्माएं? इंडिया की। आना है वो भी दिन आना है, जल्दी आना है। क्या कहा? आना है ना,
वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन। कोई ने कहा जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी तो बोलो कि पूछते ही रहोगे जल्दी आएगा। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर भर के दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं ना, ऐसे है ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं ना। क्या कहा, 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो साकार बाप दादा सच्ची का जो रचयिता बाप 76 में जिसके लिए प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया बाप का, उसको कितने प्रत्यक्ष किया, स्वदेशियों ने या विदेशी बीज रूप आत्माओं ने? विदेशी बीज रूप आत्माएं उस समय भी निमित्त बनी है। क्या कहा, अब कितने साल हो गए है? 26 साल हो गए। अब फिर बोल रहे हैं कि फॉरेन में बाप दादा की बहुत उम्मीदें हैं ना, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रिंसी वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है, ठीक है। ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे? कौन सा परिवार, हद का सिंधी या बेहद के सिंधी? सिंध माने क्या है, सिंध माना सागर, पुराने सिंधी जरा सिंधी नहीं। सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे? निमित्त मात्र सिंधी है लेकिन है ब्राह्मण, तो क्या करेंगे बोलो? उनका बाबा का नाम रोशन करेंगे, सभी मिलकर के बोलो। कब करेंगे? तो कोई ने बोला इसी वर्ष में करेंगे, आपके मुख में गुलाब जामुन। हिम्मत वाले हैं। कोई ने कहा आपका वरदान साथ में है। अरे वरदान साथ में क्या है, वरदाता ही आपके साथ है। किसके साथ है? जो इसी वर्ष में करके दिखाएंगे उनके साथ है? क्या निशानी बता दी? हाँ, वरदाता बाप दादा ही प्रैक्टिकल में उनके साथ है। साथ है ये कैसे साबित होगा, जब आंखों से देखते हो और कानों से सुनते हो तो वरदान क्या बड़ी बात है, जब बाप दादा ही आपके साथ। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। कौन उठो? जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो। जो पहली बार ही आए हैं उन बच्चों को बाप दादा आए तो पीछे हैं लेकिन इनको जाना आगे, इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हो गए और सबके मुख से यही शब्द निकले कि कमाल है कमाल है कमाल है, ऐसी हिम्मत है? पहले बार आने वालों में हिम्मत है ना, नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे, फिर भी बहुत अकल का काम किया है, टू लेट के पहले आ गए हो। क्या कहा, टू लेट का बोर्ड लगने वाला है लेकिन तुम बच्चे पहले आ गए हो, अभी फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिली है, है? फिर तो हाल ही क्या होगा, छोटा हो जाएगा। फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना, और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया। किसको पहचान लिया? जो कंबाइंड बाप दादा है, उस कंबाइंड एक ही शरीर में कौन कौन सी आत्मा, राम बाप वाली आत्मा और दादा कृष्ण वाली आत्मा। बाप दादा को पहचान लिया, वो अकल का काम किया। अच्छा, जो पुराने पांडव हैं वो उठो। अच्छा, पांडवों की महिमा भी कम नहीं है। बाप दादा का टाइटल है पांडव पति,
तो पांडवों की महिमा है ना, पांडव पति और विजयी पांडव गाये हुए हैं, शक्तियां वरदानी गाई हुई है, लेकिन विजयी पांडव गाये हुए, किसकी विजय हुई? महाभारत में क्या कहा, पांडवों की विजय हुई और कौवे की तरह कांव कांव करने वाले कौरवों की हार हो गई। पांडव गाये हुए हैं, विजयी गाये हुए हैं, तो हर एक पांडव के मस्तक पर कौन सा तिलक लगा हुआ है? विजयी भव का। आप अपने मस्तक में विजय का तिलक देखते हो कि भूल जाते हो? सदा अपने मस्तक में विजयी पांडव, विजय का तिलक चमकता हुआ देखो। विजय हर पांडव का जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी है ना? तो बाप दादा पांडवों को विजयी रतन के रूप में मुबारक दे रहे हैं। किसको? पांडवों को। बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं, पांडव कम नहीं है। 31/12/2001 की अध्यक्षवाणी का चौथा पेज। अच्छा, पुरानी माताएं जो पहले आती रही हैं, वो हाथ उठाओ, उठाओ। हाँ जी, हाथ उठाओ, उठो, उठो, बेहद की भाषा भी है, गिरो नहीं, क्या करो, उठो, गिरते ही नहीं रहना। बाप दादा की माताओं में विशेष आप, माताओं की विशेषता क्या है? माताओं के चरणों में ये सब बड़े बड़े मर्तबे वाले आपके चरणों में झुकेंगे। क्या था ये माता गुरु जो गाया हुआ है, वो सच्चा पाठ आप माताएं बजाएंगी। जैसे अभी कोई भी बड़ा दिन होता है ना, तो भारत माता की जय गाते हैं ना। 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो क्या करते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये माता गुरु जो गाया हुआ है, आगे चलकर आप माताओं की जय जय गाएंगे। इतना उच्च मर्तबा बाप दादा ने माताओं को दिया है, तो माताएं जय जयकार का आवाज सुनेगी। माता गुरु का जो गायन है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। क्या था? कौन दिखाएंगी? माताएं। किसकी माताएं है? भारत की माताएं। भारत कौन? जर्जमीन है कि कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा है ना? तो उस भारत की माताएं जो माता गुरु का गायन है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। ऐसी माताएं हो ना, सोई हुई आत्माओं को जगाओ, जगाएंगी। बहुत अच्छा पाठ है माताओं का। जिन्होंने आपकी निंदा की है वो आपका कीर्तन गाएंगी। क्या कहा? निंदा कर करके बहुत कचरा फेंका है, तो जिन्होंने कचरा फेंका है वो क्या करेंगे? वो आपका कीर्तन गाएंगे, क्योंकि बाप की बन गई है। क्या बन गई है? बाप की क्या बन गई है? बच्चे, बच्चे के अलावा और क्या बन गई माँ की? बात किसकी हो रही है? माताओं की। हाँ, तो बाप की बन गई है माताएं, ऊंचे से ऊंचे भगवान की सास की बन गई हो। क्या? इस भगवान की सास ही बन गई हो, ऊंचे से बुद्ध और शंकराचार्य कैसे हैं? ऊंचे से ऊंचे भगवान कहेंगे कि वो भी किसी भगवान को याद करते हैं, वो भी किसी भगवान को याद करते हैं। तो जो ऊंचे से ऊंचे भगवान है, ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे, किस दुनिया में गाया जाता है? साकार सृष्टि पर। तो जरूर साकार सृष्टि पर कोई ऊंचे से ऊंचे भगवान सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हुआ है, तो ऊंचे से ऊंचे भगवान की साक्षी बन गई हो। प्रैक्टिकल में साक्षी बन गई या सिर्फ बुद्धि से? प्रैक्टिकल में साक्षी बन गई हो, ये रूहानी नशा है ना। तो ऐसी माताओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। क्या करते हैं? नमन करते हैं। अच्छा, कुमारियां उठो, कुमारियां हाथ फैलाओ। कुमारियां भी बहुत हैं, अभी साधारण कुमारियां तो नहीं हो है? साधारण कुमारियां कौन सी होती है?
दुनिया में जो साधारण कुमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? जिनकी बुद्धि में दुनियावी संकल्प चलते हैं। क्या चलते हैं? टीवी देखो, रेडियो देखो, जहाँ कहीं भी कोई संगठन करेंगे वहाँ देखो, बुद्धि में क्या रहता है? शादी करेंगे। कुमारियां बहुत हैं, अभी साधारण कुमारियां तो नहीं होना, अभी आप सभी सुकुमारियां बन गई। कैसी कुमारियां? सुंदर कुमारियां बन गई हैं, श्रेष्ठ कुमारियां बन गई। कुमारियों के लिए बाप दादा को एक दिल में उमंग है, सुनाएं? कुमारियां सुनेंगी। कुमारियों के लिए गायन है 21 पीढ़ी तारने वाली है। क्या कहा है? कुमारियां क्या करने वाली है? 21 पीढ़ियां तारने वाली है। 21 पीढ़ियां कौन सी? सतयुग के 8 जन्म की जनरेशन और त्रेता की 12 जन्म की जनरेशन और पुरुषोत्तम संगम युग की 1 जन्म की जनरेशन को तारने वाली है। तो बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हरेक कुमारी 21 तो छोड़ो लेकिन एक एक कुमारी एक एक वारिस क्वालिटी निकाले। क्या कहा? 21 पीढ़ियों की तो बात छोड़ दो, क्या करे एक एक कुमारी? हर एक कुमारी एक एक क्या निकाले? वारिस क्वालिटी निकाले। वारिस क्वालिटी माना प्रिंसिपल बन के चले जाए वो, या जो राजा बन करके दिखाएं जन्म जन्मांतर के वो एक और, प्रिंस प्रिंसेस बन करके कितने रह जाएंगे? उनकी तो 16,000 की गिनती है, लेकिन उनमें से जो राजाएं बनेंगे वो कितने निकलेंगे? 108। तो एक एक वारिस क्वालिटी एक एक कन्या निकाली। हो सकता है, हिम्मत है, कितनी कुमारियां होंगी? उसने कहा 1,000 होंगी। तो इस वर्ष में 1,000 वारिस तो पैदा हो जाएंगे। ब्रह्मा भक्ति कितनी पूजाएं कही जाती है, जो ईश्वरीय कार्य में नई शक्ति की नवयुग लाने के कार्य में विशेष स्पेशल सहयोगी भुजाएं बनेंगी वो कितनी गायी हुई है? 1,000 भुजाएं। तो एक एक कुमारी एक एक कुमार भी निकालेगी तो कितने हो जाएंगे? कुमार या अधर कुमार या माताएं, माना वारसदार से मतलब है, जो राजा बनने वाले हो। तो हो सकता है, हिम्मत है, इस वर्ष में 1,000 वारिस तो पैदा हो जाएंगे, डबल फॉरेनर्स होंगे। पूछा, डबल फॉरेनर्स होंगे? इन एडवांस मुबारक हो, अभी वारिसों की माला बनाएंगे। क्या था? आज में भी माला बनाई थी लेकिन क्या हुआ है? यज्ञ के आज में भी माला बनाते थे बाप दादा, कब? 37 से 45 के बीच माला बनाते थे लेकिन क्या हुआ? टूट गई है माला, मोती बिखर गए और 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए, दूसरा जन्म लेकर के अब एडवांस पार्टी में आ गए। तो अभी वारसों की माला बनाएंगे, जो आज में हुआ तो अंत में करेंगे। मिक्स माल तो आता रहता है, क्या कहा? ऐसा माल आता रहता है, मिक्स माल तो आता रहता है, अभी वारसों की माला बनाएंगे। इस वर्ष से क्या करेंगे? वारसदार बच्चों की माला बनाएंगे। ठीक है कुमारियां, पहले ये ट्रेनिंग लेना दादियों से। क्या क्या ट्रेनिंग लेना है? दादियों से ये ट्रेनिंग लेना कि वारिस किसको कहा जाता है, है? जिसमें सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति हो उसको वारिस कहा जाता है, या शक्ति न हो उसको वारिस कहा जाता है? जब राजा बनेंगे तो कौन सी विशेषताएं होंगी, है? अपने बच्चे जो प्रजा वर्ग होती है बच्चे के समान उनको सहन करना और दुश्मनों के प्रति सामना करने की जिनके अंदर शक्ति हो। तो यहाँ किसका सामना करने की शक्ति? जो ईश्वरीय मत के बरखिलाफ बात करने वाले हैं, काम करने वाले हैं,
या संकल्प चलाने वाले हैं उनके प्रति सामना करने की शक्ति वाली हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति सहनशील हो, तो ऐसे वारिसों की माला बनाएंगे। वारिस क्वालिटी की क्वालिफिकेशन कौन सी है समझा? इस वर्ष में एक एक वारिस निकाले, फिर बाप दादा वारिसों की माला बनाएंगे, कोई नवीनता करेंगे ना इस वर्ष में। ज्यादा हाँ मोहिनी, मुन्नी वारिस चाहिए ना? हाँ वारिस पैदा करेंगे, हो जाएंगे, दिल्ली भी करेगा तो सब करेंगे। क्या कहा? दिल्ली भी करेगा तो सब करेंगे, करना ही है, ये क्या कह दिया है? दिल्ली नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। दिल्ली और पंजाब का संबंध क्या बता दिया है? भाई बहन का संबंध बता दिया, तो दिल्ली भी करेगा कि करेगी तो सब करेंगे, करना ही है। और क्या करना है? दिल्ली को आगे रख दिया। क्या कहा? आगे किसको रख दिया? दिल्ली करेगा तो सब करेंगे, तो क्या करना है? यही तो करना है। अभी देखेंगे जो भी वारिस तैयार करें वो मधुबन में अपना समाचार लिखना, दादी वारिस आ गया। क्या समाचार लिखना है? ये दादी वारसदार क्वालिटी आ गया। कहाँ आ गया है? ठीक है कुमारियाँ, ठीक है। हाँ जी तो कहो, मधुबन वाले उठो, मधुबन वाले हैं चतुर, आगे जगह मिल जाती है। क्या था? जो 24 घंटे मधुबन बने रहते हैं उनके लिए क्या बोला? तो उनको आगे जगह मिल जाती। दादी वारिस आ गया, क्या समाचार लिखना है? कि दादी वारिसदार क्वालिटी आ गया। कहाँ आ गया? क्या था? जो 24 घंटे मधुबन बने रहते हैं उनके लिए क्या बोला? तो उनको आगे जगह मिल जाती। दादी वारिस आ गया, क्या समाचार लिखना है? कि दादी वारसदार क्वालिटी आ गया। कहाँ आ गया है? ठीक है कुमारियाँ, ठीक है। हाँ जी तो कहो, मधुबन वाले उठो, मधुबन वाले हैं चतुर, आगे जगह मिल जाती है। क्या कहा? जो 24 घंटे मधुबन बने रहते हैं उनके लिए क्या बोला? तो उनको आगे जगह मिल जाती है। ये आगे जगह लेने वाले और देने वाले कौन? बाप दादा है। तो बाप दादा नहीं कहते कि मधुबन वाले आगे बैठ जाए। मधुबन वालों को आगे जगह मिल जाती है। अच्छा कि स्थूल जगह मिल जाती है कि सूक्ष्म जगह मिल जाती है? मधुबन वालों की सेवा का चमत्कार सभी को मधुबन में खींचता है। किसी से भी पूछो तो यही सबके मुख से निकलता है, मधुबन तो मधुबन है। सेवा में नंबर, कैसा नंबर? सेवा में नंबर वन ऐसे है, नंबर वन या नंबर वार? नंबर वन। बाप दादा मधुबन निवासियों को सदा नंबर वन दृष्टि से देखते हैं, नंबर वार नहीं, नंबर वन है ना, नंबर वन। कोई कंप्लेंट नहीं दादी के पास। क्या था? नंबर वन कब? जब मधुबन वालों की दादी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आए, नहीं है ना, सब कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए कंप्लेंट नहीं है। किसकी? मधुबन वालों की कोई कंप्लेंट नहीं है। मधुबन वाले किसे कहा जाता है? जिनके मुख में मधुरता भरी हुई हो, कभी भी कड़वा बोल न निकले और बनबन बेहद की वैराग्य व्यक्ति, फरिश्ता। इस फर्श की दुनिया वालों से कोई भी रिश्ता नहीं, लोहे की जंजीर में भी बंधे हुए न हो और सोने की जंजीर में भी बंधे हुए न हो। अच्छे फिर भी अथक तो हैं मधुबन के सेवादारी।
सब मांगते हैं कि मधुबन के सेवाधारी दो। महामंडलेश्वर भी कहकर के जाते हैं मधुबन के सेवाधारी हमको भेजो। क्या कहा? जो बड़े बड़े बेसिक में जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं अथवा एडवांस पार्टी में जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं वो भी क्या कह के जाते हैं कि हमको मधुबन के अध्यक्ष सेवाधारी भेजो। हाँ। तो नंबर वन तो हुए ना, अच्छे हैं, पक्के भी हैं, अच्छे भी हैं, ऐसे हैं ना। ऐसे तो नहीं बाप दादा ऐसे ही कह रहा है, बाप दादा को तो अच्छे लगते हैं। बाकी कभी कभी ज्यादा काम हो जाता है किसको है, ज्यादा काम हो जाता है बाप दादा देखते हैं, कभी कभी ज्यादा बोझ भी पड़ जाता है किनके ऊपर है, बच्चों के ऊपर। लेकिन फिर भी अमर है, अमर भव का वरदान मिला हुआ है, ठीक है ना, अमर है। क्या अनिश्चय पैदा होता रहता है? अच्छा, मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा टीचर्स उठो, बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और भ्रकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर्स। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले कि ये तो बाप समान है, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं, ये तो शिव बाप जैसे लगते हैं। क्या कहा? किससे किससे तुलना करें है? ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं उनसे तुलना करें, और किससे तुलना करें? ये तो शिव बाप जैसे लगते हैं। कौन कहेंगे? जिन्होंने शिव बाप को देखा होगा वो कहेंगे, या जिन्होंने प्रैक्टिकल में जीवन में देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, सुना ही नहीं, वो कहेंगे। कौन कहेंगे? दुनिया वाले कहेंगे या ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण ही कहेंगे ना। तो जिन्होंने एडवांस पार्टी में बाप दादा को देखा है, कैसे बाप दादा को, जो नवयुग की रचना करने वाला रचयिता बाप है, प्रैक्टिकल में साकार में है, इस शक्ति पर उसको देखा हुआ है, तो वो क्या कहें, क्या कहें? एक एक बच्चे की, एक एक टीचर की तुलना करें, ये तो ब्रह्मा बाप समान है अथवा यह तो शिव बाप समान है भी और होने ही है। क्या कहा? तो टीचर्स आधारभूत हैं, जैसे बाप के लिए कहते हैं ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो मैं कर्म करूंगा वो क्या होगा, वो सब कर्म करेंगे। क्या ब्रह्मा बाप का क्या स्लोगन रहा, क्या स्लोगन रहा, जो मैं कर्म करूंगा तो सब कर्म करेंगे। अगर सूर्यवंशियों जैसे कर्म करेंगे तो सब उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे, सूर्यवंशियों जैसा कर्म करेंगे। अगर चंद्रवंशियों जैसा कर्म करेंगे तो उनके फॉलोअर्स जो असली होंगे क्या करेंगे, चंद्रवंशियों जैसा कर्म करेंगे। और इस्लाम वंशी होंगे टीचर्स तो उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे, इस्लाम वंशियों जैसा कर्म करेंगे। अगर बौद्धिवंशी होंगे तो उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे, बौद्धिवंशियों जैसा कर्म करेंगे। माने जो जिस धर्म की फाउंडेशन डालने वाली आत्मा होगी उसके फॉलोअर्स उसी जैसा कर्म करने लग पड़ेंगे। तो टीचर्स को बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है। ऐसे हरेक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म जो बोल जो वृत्ति जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की गद्दी आप टीचर्स को बैठने के लिए दे दी। क्या कहा, क्या कहा है? आप उस गद्दी पर ब्रह्मा बाप नहीं बैठ रहे हैं, किसको दे दी है, टीचर्स को दे दी है। मुरली सुनाने के लिए निमित्त टीचर्स हैं, बाप की गद्दी मिली हुई है। ब्राह्मण ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्तबा दिया, बाप दादा भी सदा टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते हैं, महान हो महत्व वाले हो, है ना। ऐसे अंदाजा लगा दिया, पूछा प्रश्न पूछने की अगतवाणी का चौथा पेज
तीसरे पैराग्राफ में आखिरी लाइन तो बाप दादा कह रहे हैं, तो ये क्या कह रहे थे, कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट ले गए किस बात का, माने टीचर्स का सर्टिफिकेट कौन देंगे, स्टूडेंट ही सर्टिफिकेट दे देंगे कि कौन बाप समान है, कौन अम्मा समान है, कौन इस्लामी समान है, कौन बौद्धी समान है, कौन क्रिश्चियन समान है। कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट ले गए, बाप दादा तो देखते रहते हैं क्या, बाप दादा को मालूम है कि ये कैसा पार्ट बजा रहे हैं, ये तो प्रेम में पकड़ी हुई है, ये तो टीचर्स बनी है। अभी काम दादी पकड़ेगी, क्या कहा, अभी काम दादी पकड़ेगी, बाप तो प्यार में पकड़ेंगे, क्या बाप क्या करेंगे, बाप प्यार में कान पकड़ेंगे और दादी, दादी क्या करेगी, तो खींचतान कर देगी। फिर भी हिम्मत रखकर निमित्त तो बनी है ना, दादी कह रही है टीचर तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो, मुबारक हो, अच्छे तो हैं ही, अगर टीचर्स नहीं होते तो इतने सेंटर्स कैसे खुलते, मुबारक हो आप सबको, बाप दादा तो बहुत बहुत से नजर से देखते हैं, टीचर्स भी बहुत आई हैं, अच्छी है, हिम्मत और मेहनत में मुबारक हो। 31/12/2002 की अव्यक्त वाणी का पांचवा पेज। बाकी हॉस्पिटल वाले बोले रह गए क्या, हॉस्पिटल वालों ने अपने नए साल का उमंग उत्साह अच्छा किया। बाकी हॉस्पिटल वाले बोले रह गए क्या, हॉस्पिटल वालों ने अपने नए साल का उमंग उत्साह अच्छा लिखा और बाप दादा के ऊपर सदा निश्चय रहता है और निश्चिंत रहते हैं कि हॉस्पिटल अनेक आत्माओं को ब्राह्मण जीवन में लाएगी, ब्राह्मणों की सेवा भी कर रही है और ब्राह्मण भी बनाएगी, बड़े बड़े VIP हॉस्पिटल का नाम सुनकर के प्रभावित होंगे, अभी आएंगे आपके पास, चार्ट अच्छा लिखा है और प्रतिक्रिया भी अच्छी की है, बाप दादा खुश हैं, निमित्त यह बना संकल्प देने के लिए, लेकिन सबने बहुत अच्छे अच्छे रुचि से किया है। अच्छा, आप सबका प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर बाप दादा खुश हुए, इसलिए मुबारक हो। अभी जो साइंस के साधनों से देख रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया बाप दादा ने, बाप दादा कहते हैं जो भी जहां देख रहे हैं सुन रहे हैं आप भी उठ जाओ, खुश हो रहे, सुन करके खुश हो रहे हैं, मुस्कुराए रहे हैं, बाप दादा को सभी बच्चों का मंग उत्साह और दिल का प्यार बहुत श्रेष्ठ लगता है। देखो दिल का प्यार है तो समय प्रमाण पहुंच जाते हैं, बड़े उत्साह से सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, कोई देखता है कोई नहीं भी देखता है, लेकिन सुनते बहुत हैं, किसको किसको सुनते बहुत हैं, है? देखते कोई कोई है लेकिन सुनते बहुत हैं, तो किसको किसको सुनते हैं, है? बाप दादा को, तो बाप दादा नई बात सुना रहे होंगे ना, तो सुनने वाले बहुत हैं, तो बाप दादा नवयुग की नए वर्ष की एक एक बच्चे को नाम सहित विशेषता सहित मुबारक दे रहे हैं, वो भी हाथ उठाए रहे हैं, हिलाए रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चों के कार्ड और पत्र नए वर्ष की मुबारकें बहुत बहुत आई, बाप दादा कहते हैं बच्चे आपके कार्ड के पहले आपकी हार्ट पहुंच जाती है, क्या कार्ड के पहले क्या पहुंच जाती है, हार्ट पहुंच जाती है, बाप दादा सबकी दिल को देख करके खुश होते हैं। चलो खर्चा तो होता ही है, हाँ कल के बाद ये कार्ड सब यादगार रूप में रह जाएंगे, लेकिन बाप दादा इस बात पर खुश होते हैं, खर्चे को नहीं देखते हैं, बाप दादा को देखते हैं,
और बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के दिल का क्या आवाज निकलता है। क्या दिल का प्यार हाथों से कार्ड में आता है? इसलिए कार्ड बहुत अच्छा, एक दो से अच्छे बनाए। आप लोग देखना, यहाँ कार्ड रखे हैं ना? अच्छा, ज्यूरिस्ट जो मीटिंग में आए हैं वो उठो। ज्यूरिस्ट के लिए जो बाप दादा की एक पॉइंट रही हुई है, पता है कौन सी पॉइंट रही हुई है? ज्यूरिस्ट माना कानूनविद, न्यायविद, जज लोग। ज्यूरिस्ट के लिए कौन सी पॉइंट रही हुई है जो अभी तक पब्लिक के सामने साबित नहीं हो पाई है? जीता का भगवान। तो आप कब प्लान बनाएंगे? क्या प्लान? कि गीता का भगवान कौन है? कौन है गीता का भगवान? निराकार शिव बाबा। निराकार शिव बाबा तो बिंदी हुआ, वो बाबा होता भी नहीं, वो तो बात होता है, है? जरूर है। निराकार ज्योति बिंदु शिव साकार में आकर के बाबा बनता है। तो जब तक निराकार बिंदु है तो बिंदु बिंदु आत्माओं का क्या है? बाप है सिर्फ, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। और जब वो साकार में आता है तो क्या बनता है? बाबा बनता है, ग्रैंडफादर बनता है। तो ग्रैंडफादर बनता है तो जिसमें आता है उसका नाम क्या पड़ता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। माना जो भी धर्म पिता है दुनिया के, ग्रेट महान धर्म पिता है, महान आत्मा है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जिनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी तो हमारे धर्म पिता क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएंगे सत्य पर। तो वो धर्म पिता भी मानेंगे कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम आदम इस सत्य पर आया हुआ है नई सत्य बनाने के लिए। तो एक पॉइंट जुरिस्ट के लिए रही हुई है गीता का भगवान। क्या? गीता का भगवान। दुनिया वालों ने क्या कह दिया? गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह दिया दुनिया वालों ने? या ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे हैं जो श्री कृष्ण की आत्मा को गीता का भगवान साकार में मानते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे लोग हैं जो ये फाउंडेशन डाल रहे हैं, टूटिंग कर रहे हैं कि दादा लेखराज कृष्ण की सोल गीता का भगवान है साकार में। इसके अलावा कोई दुनिया में साकार व्यक्तित्व नहीं है जो गीता का रोम रोम जानने वाला हो, गीता के एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हो। उनकी बुद्धि में क्या है? उनकी बुद्धि में दादा लेखराज ब्रह्मा ही है। जबकि मुरली में कह दिया इन दादा लेखराज ब्रह्मा का चित्र भी रखने की दरकार नहीं है। तो ये पॉइंट पहले दुनिया में क्लियर करना है कि ब्राह्मणों की दुनिया में पहले क्लियर करना है? और क्लियर करने वाले वो ज्यूरिस्ट बाहर के होंगे, बाहर की दुनिया वाले होंगे, या पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ये सिद्ध करने वाले ज्यूरिस्ट निकले? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बच्चे एडवांस पार्टी में से निकलेंगे तो ये बात उन धर्म गुरुओं को साबित करके बताएंगे कि गीता का भगवान है देहधारी कृष्ण, माना दादा लेखराज की सोल नहीं है, गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ ही है। शिव को ब्रह्मा के साथ विष्णु के साथ नहीं मिलाते हैं, किसके साथ मिला के कर दिए? शंकर के साथ मिला के कर दिए। माने जो दूसरी मूर्ति है प्रत्यक्ष होने वाली संसार में, उस दूसरी मूर्ति के द्वारा शिव निराकार ज्योति बिंदु साकार में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, तब उनकी दुनिया में साकार में मूर्तियाँ बनती हैं। जिन मूर्तियों की खुदाई होने से ये पता चला है कि ये कितने साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी मूर्तियाँ भी शंकर की नग्न मूर्तियाँ मिली। जैन मूर्तियाँ जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो बोला गीता का भगवान ये पॉइंट रही हुई है तो वह प्लान कब बनाएंगे? किताब लिखा वो तो अच्छा किया, लेकिन कोई ग्रुप तैयार करो जो कहे कि हाँ ये जो बोलते हैं वो ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? कि गीता का भगवान निराकार ज्योति बिंदु नहीं है, निराकार ज्योति बिंदु दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके जो वाणी बोलता है वो स्वरूप भी गीता का भगवान नहीं है। कौन है गीता पति भगवान? गीता माता जो चैतन्य में होनी चाहिए, जो बहुत ही श्रेष्ठ कंट्रोलर है, उस गीता माता का गीता पति भगवान साकार में शक्ति पर पार्ट बजाए रहा है।
जिसको संसार में खास करके भारतवासियों ने क्या कह दिया है, शिवशंकर बोलेगा तो वो कंप्लेन बनाएंगे। ऐसा घुस तैयार करो जो कहे कि हाँ ये जो बोलते हैं वो ठीक है। क्या कहा, कौन बोलते हैं? ये जो एडवांस पार्टी वाले बोलते हैं कि गीता का भगवान पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सारे, तो कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल साकार में बनती है या राम की सोल साकार में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली बनती है, जिसके द्वारा परमात्मा सिर्फ गीता के रहस्यों को खोलते हैं, कौन बनता है? कोई एक ग्रुप को छोटा तैयार करो ना, इस वर्ष में लाएंगे ना, क्योंकि जो जिसने जो किसने नहीं किया है वो करके दिखाना है। क्या कहा, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये किसी ने साबित नहीं किया है कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल नहीं है, लेकिन शिवशंकर भोलेनाथ है जिसको भक्ति मार्ग में मिला करके शिव और शंकर को दोनों आत्माओं को एक एक रस शंकर ने ऐसी याद की जो शिव में मिलकर के लीन लवलीन होकर के एक हो गया, जो बाप का संकल्प, जो शिव बाप का संकल्प, जो उसका संकल्प, तो वो करके दिखाना है। अभी तक किसने ये भगवान के इस गीता के भगवान के रूप का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ये भरवा करके पत्र आवे यहाँ कहा मधुबन में कि हाँ गीता का भगवान जो आपने बताया वो बिल्कुल सही। क्या था, प्रो फार्मा बनाए, सबसे साइन कराए, गीता का भगवान कृष्ण का संगम युगी साकार स्वरूप या राम का संगम युगी साकार स्वरूप, गीता का भगवान कौन है? अभी नहीं है तभी तो कह रहे हैं, नहीं है तभी तो अध्यक्ष वाणी को बोला जा रहा है। हाँ, गीता का भगवान जो आपने हुआ बताया वो बिल्कुल सही है, ऐसे अथॉरिटी वाला आवे, बाकी आम जनता के लिए गीता का भगवान कोई भी हो। क्या कहा, आम जनता की बात नहीं है, किसके सामने पहले क्लियर करना है? ब्राह्मण परिवार के सामने पहले क्लियर करना है कि गीता का भगवान कौन है, बाकी आम जनता के लिए गीता का भगवान कोई भी हो, कृष्ण हो या निराकार ज्योति बिंदु हो, ये मतलब नहीं है। क्या गीता का भगवान ब्राह्मण परिवार के अंदर किसी ने साबित नहीं किया है, आम जनता के लिए गीता का भगवान कोई भी कृष्ण हो या निराकार हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। कोई ऐसे अथॉरिटी वाले बोले सिद्ध करें कि हाँ आपकी ये बात बिल्कुल आवश्यक है, ऐसा ग्रुप बनाओ। कौन सी बात, कि ब्राह्मणों की दुनिया में ये पहले साबित हो जाए कि गीता का भगवान कौन है, ऐसा ग्रुप बनाओ, बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। धार्मिक संस्था जो आपका धार्मिक वर्ग है और जो जस्टिस हैं, वकील हैं, ऐसे धर्म क्षेत्र वालों का ग्रुप बनाओ जो विशेष निमित्त हो। अभी महात्माएं भी तो आए थे ना, अच्छा अच्छा तो कहकर के गए ना, अभी ऐसी बात उन्होंने लिखवाओ। क्या था, ऐसी बात उन्होंने लिखवाओ, दोनों ही वर्ग मिलकर के करो। कौन से दोनों वर्ग है, धार्मिक वर्ग भी ये कार्य करें, जूरिस्ट भी ये कार्य करें, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो सभी वर्ग वाले एक दो के सहयोगी तो हैं, जिसका भी सहयोग चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन करके दिखाओ कुछ, इसी से ही प्रत्यक्षता होगी। नई बात चाहिए ना लोगों को, ठीक है करके दिखाएंगे, होना ही है, जब कल पहले हुआ है तो अब भी रिपीट तो होना ही है। भले आए, मुबारक हो, अच्छा है, जब से ये अलग अलग वर्ग बने हैं तो सेवा में वृद्धि तो हुई है, और हर एक को उमंग आता है हम कुछ करके दिखाएं, करके दिखाएं, लेकिन वारिस नहीं निकाले। क्या कहा, निकाले हैं का मतलब क्या हुआ, वारिसदार बच्चे अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं,
हर एक वर्ग को वारिस निकालने चाहिए। अभी मिक्स तो आते ही रहते, अभी लास्ट में वारिस की माला बनाओ। जैसे आदि में थोड़े से निमित्त वारिस बने, ऐसे अंत में भी ऐसे वारिस क्वालिटी निमित्त बने। अच्छा ओ। ये पंजाब में खेत में वाणी चल रही थी 31/12/2001 की। 5 पेज पर आखिरी पैराग्राफ, महाराष्ट्र के सेवाधारियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। वैसे तो सबको मुबारक मिल गई, फिर भी जिन्होंने सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य जमा किया है, काहे का पुण्य? सेवा का। जिन्होंने सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य जमा किया है उनको सेवा के पुण्य की मुबारक है। ये पुण्य कम नहीं है, कौन सा? सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य। ये भी एक जीवन में सहज जमा खाता बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रसन्नता, संतुष्टता पुण्य का खाता बढ़ाती है। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़े से बड़ी मेवा कौन सी है? खुशी। खुशी बढ़ती है तो जन्म जन्मांतर की शूटिंग कैसी हो जाती है? खुशनुमा शूटिंग हो जाती है। तो ये भी चांस बहुत अच्छा, हर जोन लेते रहते हैं, ये अच्छा है, अच्छा लगता है ना? पुण्य भी जमा होता है और सेवा का पुण्य जब जमा होता है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एक साथ में रिजल्ट के रूप में बाप के सन्मुख आ जाती है, तो ये सेवा का प्रूफ आ जाता है। क्या? सेवा का प्रूफ बाप दादा के सामने आ जाता है तो पुण्य भी जमा होता है और नजदीक भी आना होता है। किसके नजदीक? बाप दादा के नजदीक भी आना होता है। कौन नजदीक आता है? कौन से बच्चे? सेवाधारी बच्चे जो सर्विस करके तेज छात्रों को बाप दादा के नजदीक ले आते हैं, पंडा बन के आते हैं, तो उनको विशेष मुबारक हो। तो मुबारक हो महाराष्ट्र को, इसको महान राष्ट्र को। लगता है नागपुर से अच्छी यात्राएं आ गई, चंदपुरा से है। विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, कैसे बच्चों को? जो सर्व प्रकार की सफलता मूर्त है। क्या? जिनको एक प्रकार की सफलता नहीं मिल रही है लेकिन सब प्रकार की सफलताएं मिल रही है, ऐसे सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीन पुरुषार्थी बच्चों को। क्या सफल करने वाले? सर्व, तन मन धन समय संपर्क संबंध, जो भी अपने पास है, जो भी शक्तियां है, ज्ञान की शक्तियां, गुण की शक्तियां, जो भी है अपने पास, उससे सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले, चेकर और भविष्य लेकर
ऐसे शेष आत्माओं को सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, काहे में प्रत्यक्ष करने वाले, हर कदम में, क्या मतलब? एक कदम जो भी बढ़ाते हैं उस कदम में बाप को प्रत्यक्ष कैसे कर लेंगे? 200 गज चलते हैं तो उसमें कितने कदम हो जाते हैं? 400 कदम हो जाते हैं। तो उन कदमों की बात है क्या? जैसे बोलते हैं कदम कदम पर कीमत लेना है, क्या मतलब हुआ? कि जो भी कार्य करने के लिए हम कदम उठाए उसमें बाप दादा से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत ले लें, बिना मत लिए कोई भी कार्य करने के लिए हम कदम न उठाए। कैसे श्रीमत लेंगे? बिंदी बाप से श्रीमत लेंगे कि गुलजार दादी से माउंटाबू में जाकर श्रीमत लेंगे? कैसे लेंगे? जो भी गायन पूजन यादगार त्योहार बने हुए हैं, जो अंत समय के बने हुए हैं, जिस के बने हुए हैं या आज के बने हुए, अंत की अवस्था, अभी अंत की अवस्था कहें या अभी कुछ और बाकी है? हैं? अभी हैं? अंत की अवस्था है, अंत की अवस्था है तो गुरु बाप दादा प्रत्यक्ष हो चुका होगा, ब्राह्मण भी नहीं है, प्रत्यक्ष होने जा रहा है लेकिन हुआ तो नहीं अभी, अभी भी बुद्ध तो चल रहा है, तो प्रत्यक्ष हो जाए, इतना प्रत्यक्ष हो जाए कि जो भी बच्चा चाहे 500 करोड़ की दुनिया का हो, चाहे आधारभूत ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया का हो, और चाहे एडवांस पार्टी की हिंदू उपासनाओं की दुनिया का बच्चा हो, वो भी खुले दिल से बाप दादा से अपने प्रश्न का समाधान दे सके, हाँ या ना में समाधान देने की भी जरूरत थी, एक सेकंड। और ये साधन जो संसार में बढ़ रहे हैं वो बाबा ने किसके लिए बताए? साधन संसार में बढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के, वो किसकी सेवा के लिए बढ़ रहे हैं? बाप के बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए, बाप की प्रत्यक्षता के लिए। तो कदम कदम पर श्रीमत लेना संभव होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो बाप उस समय प्रैक्टिकल में होगा या सिर्फ दिव्य रूप में होगा या सिर्फ माउंट आबू में दीदी दादियों को मिलने वाला होगा या हर बच्चे का उससे संपर्क हो सकता है? अगर करना चाहे तो हो सकता है, क्योंकि ऐसी ऐसी स्थितियां अब बनती जा रही है। तो बोला सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे, कैसे बच्चे? मोस्ट ग्रेट ग्रैंड फादर क्या होता है? ग्रेट फादर्स कौन से हुए हैं संसार में? जो भी बड़े बड़े धर्म के ताने हैं, जिनके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं दुनिया में देखने में आ रहे हैं, वो क्या हुए? ग्रेट फादर, महान महान धर्म पिताए हुए, इसराइल बुद्ध चाहे सुन गण का भी, वो तो ग्रेट फादर हुए। लेकिन जैसे देवताओं को कहा जाता है स्त्री, सिंगल स्त्री, और देवताओं को भी जो बनाने वाला है वो क्या कहा जाता है? स्त्री स्त्री एक जगत का गुरु असली, वो सबसे श्रेष्ठ हुआ, तो डबल सिंह लगा। ऐसे यहाँ भी सिंगल ग्रेट नहीं, कैसे डबल ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। और ग्रैंड फादर का जो संबंध है बच्चों के साथ, वो साकार में होता है या निराकार में होता है या आकार में होता है? निराकार संबंध की जहाँ तक बात है, वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे, बच्चियां भी नहीं, क्या आत्मा रूपी बिंदु बिंदु बच्चे और उनका बिंदु रूपी बाप सुप्रीम कोर्ट, जिस बिंदु का नाम क्या है?
लेकिन ये बताया कि वो कभी बदलता नहीं, वो शिव ज्योति बिंदु है, उसका नाम कभी बदलता नहीं, उसकी जिंदगी का ही नाम शिव है। तो बच्चों के साथ उसका क्या संबंध है, बाप और बच्चे, दूसरा कोई संबंध, बच्चे और बच्चा बाप का भी संबंध नहीं, बाप और बच्चे। जब वो बिंदु दूसरे तंग में प्रवेश करता है तब दूसरे दूसरे सफल समझते। जो अचंत वाणी में मोदी ने बताया तुम बच्चों के सर्व संबंध दूसरे हैं, एक बात माने वो बाप ऐसे साकार रूप में भी आता है जिसके साथ जिसको जो संबंध अच्छा लगता हो उस संबंध के रूप में उससे भागना प्रैक्टिकल जीवन में साकार में ले सकते हैं। तो जिस साकार के द्वारा वो सब प्रकार के संबंधों की भावना मिलती है बच्चों को, उनमें एक विशेष संबंध है जिससे वर्षा मिलता है, वो कौन सा है, ग्रैंड फादर। और वो ग्रैंड फादर भी सामान्य नहीं है, कैसा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर माने जो धर्म पिताएं हैं दुनिया के महान से महान, वो धर्म पिताएं भी उस ग्रैंड फादर को ग्रैंड फादर के रूप में अंत में मानेंगे। प्रैक्टिकल कोई ऐसा धर्म है जिसमें शक्ति का आदि पुरुष न दिखाया गया हो, है कोई धर्म, हर धर्म में शक्ति के आदि पुरुष की मान्यता है। हिंदू है तो माँ आदिदेवता है, पुरुष है पुराण है आदिदेवी कहते हैं, अंग्रेज लोग हैं एडम कहते हैं, मुसलमान है आदम कहते हैं, जैनी है आदिनाथ कहते हैं। तो उस आदि पुरुष की हर धर्म में मान्यता है, वो एक ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो बोला हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को, कैसे सन्स को, ग्रैंड फादर के ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमन। कैसे बच्चों, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के ग्रैंड सन्स है ना, सारी दुनिया के पूर्वज हैं, सारी दुनिया उन बच्चों को अपने पूर्वज के रूप में देखती है, ऐसी वो सारी शक्ति की बीज रूप आत्माएं हैं। तो बीज रूप आत्मा प्रैक्टिकल में साकार में है, वो बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स या निराकार और आकार में है, साकार में। जब साकार में वो बच्चे हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स बाप के, ग्रैंड फादर बाप के बच्चे, तो ग्रैंड फादर भी कैसा हुआ, साकार हुआ। तो बताया ऐसे बच्चों को मुबारक और नमन। 31/12/2001 की वाणी का छठा दिन, दिल्ली तथा सोनी मत के भवन निर्माण पति बाप दादा के विचार। बाप दादा कौन सा भवन बनवाने के लिए आते हैं, स्थूल भवन तो दुनिया में बहुत बनते हैं, जैसे 91-92-93 में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा भवन बना था, ज्ञान सरोवर। तो ज्ञान सरोवर बाप दादा ने बनवाया या बाप दादा ने ज्ञान का सरोवर बनवाया, गीतों का सरोवर बनवाया होगा या ज्ञान का सरोवर बनवाया होगा। जैसे उस ज्ञान सरोवर के तीन पोर्शन ऐसे ही जो बाप दादा ने सूक्ष्म में ज्ञान सरोवर बनाया तो ये तीन खंड किए गए, क्या नाम है, 91-92-93 सच्ची गीता खंड 1, सच्ची गीता खंड 2, सच्ची गीता खंड। तो भवन बाप दादा का